दिन पहले आशा दीदियों का हड़ताल, उनको जो है 1000 रुपया जो है मिलता था राज्य सरकार द्वारा, हालांकि ये केंद्र सरकार द्वारा ये जो है योजना जो है चलाया जाता, केंद्र सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया, लेकिन आशा दीदी सब लोग आए हुई थी, हम उनका डिमांड था, तो उसको चुनाव में भी हमने कहा था कि इनके मानदेय को हम लोग दुगुना करेंगे, तो 1000 नहीं, हम लोग उसको 2500 करने जा रहे हैं, लगभग 2.5 गुना हमारी सरकार जो है बढ़ाने का काम कर रही है। आपके साथ और की जो समस्याएं थी उसको भी हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को हर जगह चारों तरफ जो है काम दिखना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि तेजस्वी यादव खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को हमने 2.5 गुना बढ़ा दिए हैं, यानी कि उसे जो है 2500 रुपये मानदेय कर दिए हैं। जिन लोगों को, जिन आशा कार्यकर्ताओं को ये संदेह था कि जब तक सरकार का कोई जो है बयान नहीं आ जाता, कोई सरकार का कॉन्फ्रेंस नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो अब जो है खुद जो सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने कह दिया है कि आप लोगों के मानदेय को 2.5 गुना जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है, तो अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात कौशलेंद्र कुमार शर्मा जो अभी भी हड़ताल पर हैं, तो ये जो है आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर आप शशि यादव के संगठन में रहकर हड़ताल पर थे तो अभी आपको हड़ताल समाप्त करना है और अपने कार्यकाल को शुरू करना है, अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करना है, जिस तरह से पहले आप कार्य करते थे उसी तरह से आपको कार्य करना है। तेजस्वी यादव ने क्योंकि इस वीडियो में खुद कह दिया कि आप लोगों के मानदेय को जो है 2.5 गुना बढ़ाने का काम हमने किया, और पिछले साल जो है जब जो है घोषणा पत्र में हमने जो ऐलान किया था कि 2 गुना करेंगे, तो उसे हमने 2 गुना नहीं बल्कि 2.5 गुना कर दिया है, ठीक है। और भी कई जो है मांगों को लेकर इन्होंने जो फैसला किया है, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपने खुद सुना, तो इसीलिए अब आप लोगों को ये किसी भी प्रकार का आशंका नहीं होना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। आप लोगों को पहले जो है स्वास्थ्य समिति जो है राज्य बिहार के द्वारा एक लिखित पत्र भी मिल चुका है, अब आप लोगों को तेजस्वी यादव का जो है मुखित बयान भी मिल चुका है, तो अब आपको किसी भी प्रकार का जो है संदेह नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए।